जा रही हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर, जिला प्रशासन के आदेशों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। नगर पंचायत पहासू सब्जी मंडी में उड़ रही हैं धज्जियां। स्थानीय प्रशासन की आंखों पर बंधी है पट्टियां। डीएम के आदेशों का भी किसी को कोई असर नहीं दिख रहा है, लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिला प्रशासन के आदेशों की उड़ रही हैं धज्जियां। नगर पंचायत पहासू सब्जी मंडी में उड़ रही हैं धज्जियां। डीएम के आदेशों का भी नहीं दिख रहा है कोई असर। डीएम के आदेशों का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। जिला प्रशासन के आदेशों की उड़ रही हैं धज्जियां। स्थानीय प्रशासन की आंखों पर बंधी हैं पट्टियां। डीएम के आदेशों को अनदेखा किया जा रहा है, लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिला प्रशासन के आदेशों की उड़ रही हैं धज्जियां। नगर पंचायत पहासू सब्जी मंडी में उड़ रही हैं धज्जियां। स्थानीय प्रशासन की आंखों में बंधी हैं पट्टियां। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि आदेश जारी किए गए हैं और यहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिला प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ते साफ दिखाई दे रही हैं। नगर पंचायत पहासू सब्जी मंडी में उड़ रही हैं नियमों की धज्जियां। स्थानीय प्रशासन की आंखों में बंधी हैं पट्टियां। स्थानीय प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, लगता है उसको ये सब चीजें नजर ही नहीं आ रही। जिला प्रशासन के आदेशों की किस कदर यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नगर पंचायत पहासू सब्जी मंडी में उड़ रही हैं नियमों की धज्जियां। स्थानीय प्रशासन की आंखों पर बंधी हैं पट्टियां। जिला प्रशासन के आदेशों की उड़ रही हैं धज्जियां। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन जिला प्रशासन को कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मैं आपको बता दूं, जिला प्रशासन जिस तरह कोरोना का कहर लगातार जारी है, उसी को देखते हुए जिला प्रशासन की अगर हम बात करें तो लगातार आदेश तो कर दिए हैं, लेकिन उनके आदेशों पर अमल नहीं हो रहा है। अगर हम नगर पंचायत पहासू की बात करें तो नगर पंचायत मात्र पहासू से 50 मीटर दूरी पर जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियां उड़ रही है और बिना मास्क लगाए लगातार लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये एक तरह से कोरोना जैसी महामारी को कहीं ना कहीं बुलावर देने जैसे कार्य कर रहे हैं, जबकि स्थानीय प्रशासन की बात करें तो स्थानीय प्रशासन ही पूरी तरह आंखों में पट्टी बनी हुई है। जी अनिल, आप देखिए जिस कदर लगातार ये अपील की जा रही है कि 2 गज की दूरी बनाकर रखें, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और ये तस्वीरें जब सामने आती हैं तो और भी ज्यादा परेशानी को बढ़ा देती हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह जनपद बुलेंद के डीएम रविंद्र कुमार लगातार प्रत्येक अधिकारी को दिशा निर्देश कर रहे हैं कि कहीं भी कोई भी लापरवाही ना बरती जाए, और जबकि नोडल अधिकारी भी जनपद बुलेंदर में अजय चौहान लगातार हर जगह चेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। लेकिन अगर हम जनपद बुलेंदर के अगर नगर पंचायत पहासू की बात करें तो यहाँ जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है नगर पंचायत पहासू की। जिस तरह से सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियां उड़ाई जा रही है। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो तस्वीरों में आप देखिए किस कदर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लगातार नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन है कि कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर सब्जी मंडी में किस कदर यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, जहां एक तरफ कहा जा रहा है 2 गज की दूरी बनाकर रखें, तो ऐसे में कोरोना काल में ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जो हमारी मुसीबतों को और भी ज्यादा बढ़ा सकती हैं। आंकड़े दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं कोरोना के, और ऐसे समय में ऐसी तस्वीरें सामने आना बेहद चिंता का विषय है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार कब इसको लेकर कार्रवाई की जाती है, कब जिला प्रशासन की आंखें खुलती हैं और कब जो उनकी आंखों में पट्टी बंधी है वो उतरती है।